पापा, आप ऐसे मुंह का लटका के खड़े हैं। दिवाली का दिन है, थोड़ा हंसिए। अरे क्या हंसे, इतना पैसा लगा के पटाखा का दुकान लगाया है कि दिवाली का सीजन है, चलेगा, पटाखा बिकेगा, लेकिन सवेरे से एक भी पटाखा नहीं बिका है। ये लगता है महंगाई इतना बढ़ गया है ना, लोग पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा है। अब तो हमको अफसोस हो रहा है, बेकार है हम ये पटाखा का दुकान लगाए। अरे पापा, आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। अपना गलती भी माना कीजिए, हम आपको कितना बार बोले हैं। जब आपको बिजनेस करने नहीं आता है, तो आपको बोलना चाहिए बेटा तुम पटाखा बेचो, सुबह से खड़े हैं, कुछ बोलिएगा तब ना हम कुछ करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। और ऐसा मुंह बना के खड़े हैं तो कौन आपका दुकान पर चढ़ेगा। अरे तुम चुप रहो, तुम बड़का बिजनेसमैन है ना, जो तुम सारा पटाखा बेच देगा, हम तुमको बोलेंगे और तुम बेच के दिखा देगा हमको। अरे आपके रहते हम बिजनेसमैन कैसे बन पाएंगे, कुछ करने दीजिएगा तब ना बिजनेसमैन बन पाएंगे। हमारे पास दिमाग है बिजनेसमैन जैसा। सिर्फ आप एक घंटा चुप रहिए, उसके बाद देखिए कैसे माल बिकता है लाइन लगा के। हाँ ठीक है, चलो हम एक घंटा कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं तुम कितना माल बेच लेते हो, देखे तुम कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। तब तक हम बगल में बैठ के अपना रिश्तेदार सबको दिवाली का बधाई दे देते हैं फोन करके, देखते हैं तब तक तुम कितना माल बेच पाते हो। हाँ हाँ, हम सारा पटाखा बेच कर दिखाएंगे आपको। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आराम से बात किया करो, आराम से, आज दिवाली का दिन है, हैप्पी दिवाली टकला नेता। अरे काहे का दिवाली, सवेरे से बैठे हुए है। अरे तो उठो, कुछ काम करो। अरे काम में तो कर रहा है, लेकिन हो तब तो जल्दी काम खत्म कर लेंगे, तब ना जाके टूर्नामेंट में भाग लेंगे। अरे कौन टूर्नामेंट का बात कर रहे हो तुम? अरे तुमको नहीं पता है, इस दिवाली स्किल क्लैश दे रहा है आईफोन 12 जीतने का सुनहरा मौका। स्किल क्लैश पर अभी चल रहा है दिवाली धमाका इवेंट, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसमें रमी भी खेल सकते हैं, और रमी खेले बिना दिवाली कैसी। तो आओ खेले स्किल क्लैश पर रमी, और जीते ढेरों सारा पैसा। इस वेबसाइट पर तुम कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल, रन, स्कैप जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल कर भी पैसा कमा सकते हो। यही सोच रहे हो ना जीते हुए पैसे कैसे निकाले? तो तुरंत ट्रांसफर करो पेटीएम, यूपीआई या अमेजन पे में। यहाँ तक कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का भी मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हो। इतना ही नहीं, स्किल क्लैश अब लाया है वीकली लीडर बोर्ड, जिसमें विनर्स के साथ साथ लूजर्स को भी मिलेंगे रिवॉर्ड्स। और दिवाली ऑफर में अब पाओ 100% प्रोमो कैश। तो इस दिवाली सीजन पर खेलो बड़ा बाजीगर टूर्नामेंट 7 नवंबर को, जिसमें तुम जीत सकते हो आईफोन 12, OnePlus Nord 2, Poco X3, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। अच्छा अच्छा, वो तो हम करते हैं। तुम बताओ तुम्हारा जो काम था वो हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ ना, तब से बैठे हुए हैं। अरे ऐसा कौन सा काम कर रहा है तुम जो नहीं हो रहा है तुमसे? हम लोग भी दिवाली मना रहे हैं, हम लोग को दिवाली के दिन इतना सारा काम था, हम लोग तो सब कर रहे हैं, हम लोग से तो हो रहा है, तुमसे काहे नहीं हो रहा है? अरे दिवाली का काम का बात नहीं कर रहे हम। अरे तो कौन सा काम का बात कर रहा है तुम? अरे जो तुम सुबह में रोज करते हो। अरे ऐसा कौन सा काम है जो हम रोज सुबह करते हैं और वही काम तुम भी करना चाहते हो? ऐसे बता दे, नकल करना अच्छी बात नहीं है। अरे तुम चुप रहो, हम तुम्हारा नकल नहीं कर रहे हैं, ये काम सब कोई करता है। अरे ऐसा कौन सा काम है? अरे तुम सुबह उठ के क्या करते हो? अरे हम सुबह उठ के कुछ नहीं करते हैं। अरे कुछ नहीं करते हो? अरे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद हम नहा लेते हैं। अरे नहाने से पहले क्या करते हो? अरे बताए जो, ब्रश करते हैं। अरे पागल आदमी, वही पूछ रहे हैं, ब्रश के बाद क्या करते हो? अरे पागल आदमी बताए जो, उसके बाद हम नहाते हैं। अरे तो बाथरूम नहीं जाते हो? अरे बाथरूम में ही तो जाते हैं नहाने के लिए। अरे वो तो पूरा दुनिया जाता है बाथरूम में नहाने के लिए, क्या बकबक कर रहे हो तुम, समझ नहीं रहे हो क्या? अरे हम तो समझ रहे हैं, तुम साला पागल है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। अरे तुम पागल होगा, नहाने से पहले क्या करते हो वो पूछ रहे हैं। अरे बताए जो भाई, ब्रश करते हैं। अरे पागल आदमी, दिन रात जो खाते हो उसको नहीं निकालते हो? ओ अच्छा, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, तो सीधा सीधा पूछो ना, इतना शर्मा कह रहे हो। हाँ हाँ करते हैं वो। हाँ वही हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, पहले कल जो खाया वो निकलेगा, तब ना आज जो बढ़िया बढ़िया आइटम लाया है वो खाएंगे। इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई लाया है, कैसे खाएंगे हम? अच्छा तो कुल मिला के यही कहना चाहते हो ना कि अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ है? अरे सवेरे से बैठे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, खाली हवा आ रहा है, और ये कह रहा है अपना काम करो। अरे तो पंखा बंद कर दो बाथरूम का, हवा नहीं आएगा। अरे तुम फोन रखो पागल आदमी। दिवाली की आज ही रात है, पटाखा फोड़ने ही वाली बात है, मौका है मस्ती है, ले 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 मजा, दो पटाखा पे एक माफ है, ले 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 हमरा पटाखा, ले 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 हमरा पटाखा, ले 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 हमरा पटाखा, ले 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 ले। अरे बाबू सही में दो पटाखा लेने पर एक फ्री दे रहे हो,
अरे नहीं, हम इतना देर से जो यहाँ गाना गा रहे थे ना, वो टाइम पास कर रहे थे। हम बता थोड़ी ना रहते कि हमने यहाँ ऑफर किया, समझ में नहीं आया जब गाना गा के बुलाए तो। अरे तो ऐसे कौन सी बात कर रहे हो, हम तुम्हारा कस्टमर है, सही से बात करो हमसे। हमको घिरनी दो, दो पॉकेट। अरे वाह, बेटी है हिरनी, बाप को चाहिए घिरनी। अरे वाह, क्या रंगीन मिजाज का चाचा। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम काला कलूठा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बतिया को हिरनी बोलने का? चुपचाप से पटाखा दो, बकवास मत करो। अरे चाचा, त्योहार का सीजन है, मौज मस्ती तो चलता है, थोड़ा सा मजाक कर लिए आपको कूल करने के लिए। आपको भी थोड़ा गुस्सा आ गया था ना बात सुन के। हैप्पी दिवाली चाचा। हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली, आप चलो पटाखे दिखाओ। चाचा, हम आपके जैसे आदमी पहली बार देख रहे हैं जो मुंह से बोल रहा है पटाखे दिखाओ। अरे काहे, आप बाप होकर बोल रहे हैं कि हमारी बच्चिया को पटाखे दिखाओ, वो भी आपके सामने हम आपकी बच्चिया को पटाए। हमको लाज आ रहा है चाचा, हम नहीं पटाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले जब हम आपकी बच्चिया को हिरनी बोले तो आप हमको डांट दिए, लगता मजाक कर रहे थे चाचा आप हमसे। कहा कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि पूरा कद्दूकपुर में ऐसा खांटी काला कलूटा लड़का नहीं मिलेगा, इतना हैंडसम लड़का जिसका इतना बढ़िया बिजनेस है, हमारी बच्चिया को पटाखा तो राज करेगी। अरे क्या बकवास कर रहा है काला कलूटा लड़का, तुम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम, बहुत बोल रहा है तुम, तुमको बोला पटाखा दिखाओ। अरे चाचा, इसमें दिखाने जैसा क्या है, आपके सामने सब पड़ा हुआ देख लीजिए खुद ही। अरे वो तो हमको दिख रहा है, पहले ये बताओ गारंटी दोगे कि तुम्हारा पटाखा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? कहे कि बाद में घर ले जाएंगे और पता चला फूटा नहीं तुम्हारा पटाखा तो हमारा पैसा तो फालतू चला जाएगा ना, पैसा वापस करोगे फिर? ऐसे चाचा, पूरा मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं देगा पटाखा का, कहे कि ऐसा चीज ही होता है गारंटी देने लायक ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर शक किए हैं कि हम आपको गंदा पटाखा नहीं दे दे, इसीलिए हम आपको पटाखा देंगे, प्रूफ के साथ देंगे। कोई भी पटाखा यहाँ से उठाइए और चला के देखिए, देखिए फूटता है कि नहीं। अरे नहीं नहीं बाबू, तुम इतना बोल दिए तो हम ले लेते पटाखा। अरे नहीं नहीं चाचा, कस्टमर को विश्वास दिलाना दुकानदार का फर्ज होता है, हम आपको विश्वास दिला कर रहेंगे कि हमारा पटाखा बढ़िया है, आप भले नहीं फोड़िए हमारा आदमी फोड़ेगा। अरे बाबू गोरा कद्दू, पटाखा फोड़ के दिखाओ तो चाचा को। अरे बाबू मत बोलो उनको, हम तुमसे छोटा है क्या, तुम्हारा नौकर है जो उनको बाबू बोल रहे हो। अरे बाप रे, इतना गर्मी है बाबू, इसको पटाखा का दुकान से बाहर रखा करो, नहीं तो इसका गर्मी से ही सारा पटाखा फूट जाएगा, इस लड़का में तो आग है आग। हाँ चाचा, कौन सा पटाखा फोड़े, रॉकेट गिरनी अनार बताइए। एक काम करते हैं अंकल, रॉकेट छोड़ते हैं। अरे नहीं नहीं बाबू, पटाखे नहीं छोड़ो। अरे आप हमको क्या लफंगा समझ के रखे है, हाँ? आप क्या समझ के रखे हमको, किस टाइप का लड़का समझे आप हमको? हम एक बार किसी को पटा लेते हैं ना तो उसको छोड़ते नहीं है, उससे शादी कर लेते हैं, रख लेते हैं उसको अपने पास। आप हमको लफंगा समझते हैं कि पटा के आपकी लड़की को हम छोड़ देंगे ऐसे ही? एक बार पटा लिए ना तो शादी करके रहेंगे उससे, भले आप हम लोग को रोकना चाहे लेकिन रुकेंगे नहीं। अरे चुप रहो तुम, दोनों भाई लफंगा है, खाली मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ हम अपनी पत्नी को नहीं लेके आए, नहीं तो तुम लोग का बाप हमारी पत्नी के पीछे पड़ जाता, पूरा खानदानी हमको लफंगा लग रहा है तुम लोग का। अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, कस्टमर है कस्टमर की तरह रहिए, हम आपको लफंगा दिखते हैं? तो अपना बेटा लोग को कहीं नहीं समझा रहे, तब से उल्टा सीधा बकबक कर रहा है मेरी बेटी के लिए। अरे क्या उल्टा सीधा, हम बोले आप ही ना बोले पटाखे नहीं छोड़ना, आप हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाइएगा तो हम क्या छोड़ देंगे आपको? अरे हम पटाखे बोले, पटाखे नहीं बोले। अरे तो ऐसे बोलना चाहिए ना, पटाखे नहीं छोड़ना, पटाखे नहीं छोड़ना, छोड़ना क्या होता है, फालतू बकवास करते है, एक तो अपने गलती करते है, ग्रामर नहीं आता आप लोग के जैसे आदमी लोग को, फिर बकवास करते है बच्चा लोग से आके। है गोरा कद्दू चुपड़ा, ऐसे कोई बात करता है कस्टमर से? खबरदार जो ऐसे बात की कभी भी किसी कस्टमर से, तमीज से बात किया जाता है कस्टमर सबसे। हाँ डटिए इस लोग को, सीखो अपना पापा से कैसे बिजनेस किया जाता है। हाँ भाई साहब, हम लोग का दिवाली को लेके एक फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अपना पटाखा दे के जाइए हमारा पटाखा लेके जाइए, एक्सचेंज ऑफर है। अरे मुंह संभालो नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम पकड़ के। अरे क्या हम ऐसा बोले जो मेरा मुंह तोड़ दोगे? अरे ऐसा गंदा एक्सचेंज ऑफर रखते हो तुम। अरे इसमें गंदा क्या है, सब तो रखता है। अरे तुम लोग का परिवार ही साला लफंगा सब है, तब से हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है तुम लोग, हमको नहीं लेना है तुम लोग कैसे पटाखा लफंगा सब। अरे ये क्या किया पापा, आपको बोले थे ना एक घंटा तक चुप रहिएगा, हम दुकानदारी करेंगे, भगा दिए इतना अच्छा कस्टमर को, पूरा पटा लिए थे कस्टमर को, माल लेकर जाता भगा दिए बिना मतलब का, क्या इतना गंदा गंदा अश्लील बात सब किया आप उसके सामने, हमको भी लाज आ रहा। अरे पागल साला, हम कहां उससे कोई बकवास किए,
कहा कोई गंदा बात की है, उल्टे तुम तब से गंदा बात कर रहा था उससे, ऊपर से हमको बोलता है। अरे हम लोग तो तब से ऐसे ही मजाक कर रहे थे, पटाका पटाका, आप तो सीधे उसकी बैटरी मांग लिए, खुले हम एक पटाका के बदले वो आपको अपनी बैटरी दे दे, इतनी सस्ती है क्या उसकी बैटरी? अरे क्या अश्लील बात कर रहा है, हम कब ऐसा बोले, हम तो बोले अपना पटाका दे के जाओ और हमारा पटाका लेके जाओ। अरे तो इतना देर से अपना पटाका वो आदमी अपनी बेटी को समझ रहा था ना, जो हमको डांट रहा था कि पटाका काय बोल रहे हो, ऊपर से आप बोले अपना पटाका दे के जाओ, हमारा पटाका लेकर जाओ, क्या समझेगा वो कस्टमर कि आप उसकी बेटी मांग रहे हैं पटाका के बदले में? अरे वो तो उस बर्बाद का गलती है ना, हम थोड़ी ना ऐसा बोल रहे थे, वो अपने मन से कुछ भी समझ लेगा तो हमारा गलती थोड़ी ना है, जाने दो, ऐसा कस्टमर का जरूरत नहीं हम लोग को। बताया था ना स्किल क्लास के बारे में, अभी रजिस्टर करो दिवाली धमाका टूर्नामेंट पे और घर ले आओ आईफोन 12, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और कमेंट में कम से कम एक एक दिया जलाने का।